इसमें कमी हो तो आप बता सकते हैं, पर जहां तक मेरा अनुभव है ये लगभग ठीक है। बीते 30-40 सालों में एक बड़ी आबादी की मातृभाषा गुम हो चुकी है। इस दौरान देश की 500 भाषा बोलियों में से लगभग 300 पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। मैं बताना चाहूंगी 190 से ज्यादा ऐसी भाषाएं हैं जो आखिरी सांसें ले रही हैं। भाषा का इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी कहीं कोई हलचल नहीं है, यह शायद इसलिए कि हम इनमें से ज्यादातर जनजातियों की मातृभाषाएं थी, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और गुजरात जैसे प्रदेश अपनी भाषाओं के कारण ही जाने पहचाने जाते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अंत में यही कहना चाहूंगी कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे यानी कुछ भी चीज बुक करवाते हैं तो उसपे सबसे पहले जब फोन पर ट्राई करते हैं टोन आती तो उसपे आता है कि एक दबाओ, एक के लिए अंग्रेजी, दो के लिए हिंदी, हिंदी दबाए। तो मगर मैं कहना चाहूंगी हमारी जो कंपनियां हैं जहां हमें बदलाव करना चाहिए, हमें हिंदी को एक नंबर पर रखना चाहिए और दो नंबर पर हमें अंग्रेजी को रखना चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हमें हिंदी को ही बढ़ावा दे